नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज अक्टूबर की 18 तारीख है और दशहरा को मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक। तो विंटर फ्लावर्स के लिए मैंने ये ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा मैं इसमें जो प्लांट्स लगाने वाली हूँ, तो इससे पहले मैं अपनी जो शॉपिंग है वो ये वीडियो बना के एक शेयर कर लूँ कि इसके कैसे रिज़ल्ट रहते हैं क्या नहीं, तो अपने बहन भाइयों को बता दूँ। तो ये मैंने अमेज़ोन से दो सेट खरीदे हैं। एक सेट में जो है पांच ये पीस हैं, तो इनका जो रेट है वो वैसे एक्चुअल जो रेट है वो एक सेट का पांच जो पीस हैं उनका रेट है 999, एक रुपया कम 1000। तो जो मुझे मैंने पिछले हफ्ते इसको ऑर्डर किया था, तो ये एक सेट जो है 349 का, तो मैंने दो सेट मंगवाए हैं, 700 मैंने दिए हैं और डिलीवरी चार्जेस कुछ नहीं लगा है। तो ये 10 पॉट मेरे पास इस तरह से आए हैं और जो ये इस पॉट की चौड़ाई है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये चौड़ाई है इसकी, ये ऐसे, तो ये 8.4 इंच लिखी है, तो अभी मैंने नापी नहीं है। और ये जो हाइट है ऐसे, ये हाइट है और ये 5 इंच, और ये जो बेस नीचे का, तो ये जो बेस की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच लिखा है। तो इनका थोड़ा बहुत फ़र्क तो वैसे रहता है, वो ये जो पहले भी मैंने पोर्ट्स मंगवाए थे ये अभी मैंने देखे चेक नहीं किए, तो वो बिल्कुल बाहर से ये यहाँ से नापते होते हैं, यहाँ पे स्केल रखो और यहाँ पे ऐसे करके नापते हैं, तो इस तरह से काफ़ी छोटे छोटे पोर्ट हैं। पर अगर जैसे ये पसंद नहीं आते हैं तो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, आप इन्हें वापस भी कर सकते हैं, बट ये छोटे पोर्ट्स जैसे मुझे बहुत पसंद आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में मैं ग्रो करना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये ले लिए। तो एक पोर्ट मुझे जो है वो 70 रुपीज़ का पड़ा, तो अब ये पता नहीं कितने मजबूत हैं, ये इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी मजबूती है इनमें। तो जो एनुअल्स जो होते हैं, चाहे आप विंटर के लगाएं समर के, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छे हैं, मतलब साइज़ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बाकी क्वालिटी वाइज मुझे पता नहीं है। ये उन्होंने ज़रूर उस पर लिखा है कि ये जो प्लास्टिक है ये रिसाइकल वाली नहीं है, जैसे ज़्यादातर पोर्ट्स बनते हैं वो रिसाइकल वाले बनते हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो ये फ्रेश वाला है इस तरह से। तो मैं जो दूसरे पोर्ट होते हैं उनके साथ ये रख के बताती हूँ कि कितनी इनकी हाइट आ रही है। ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अडेनियम का ये प्लांट लगा है, ये छोटा ही पोर्ट है उसके, ये इतना बैठ रहा है, ये यहाँ पे इतना छोटा है ये इस तरह से। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत क्यूट से लग रहे हैं देखने में, तो मैं ये विंटर के फ्लावर्स इनमें ग्रो करूंगी अभी इस तरह से, और कोई भी होल नहीं है इसमें, तो वो मैं होल अपने उससे बनाऊंगी। ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी कॉस्टली तो पड़ती है कई चीज़ों में, तो फ़ायदा ये रहता है कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाता है आपकी पसंद का, अगर आपको ये पसंद ना हो तो वापस भी हो जाते हैं। तो इनमें मैं तो जैसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी छोटे छोटे पोर्ट्स में ग्रो कर लेती हूँ, चाहे कोक्सकोम के जो बड़ी बड़ी लंबी वैरायटी वाले जो प्लांट्स होते हैं, मैं वो भी छोटे छोटे उसमें ग्रो कर लेती हूँ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा। जैसे ये देखिए, ये मैंने कोक्सकोम, इसमें गुलाब का ये पौधा छोटा सा बैग है, तो इसमें ग्रो किया हुआ मैंने, तो ये देखो कितना अच्छा, कितने बढ़िया इसमें फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं ये बड़े प्लांट्स भी ये ग्रो कर सकती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस तरह से। और तो भी ये इतना छोटा सा बैग है और इतनी खाली जगह है इसमें, और भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ सकती है। तो ये तो बड़ी जो वेराइटी वाला कोक्सकोम है, तो मैं वो छोटे छोटे जगह में भी ग्रो कर लेती हूँ, और अगर छोटी जगह में छोटी थोड़ी खुराक में आप ग्रो करते हैं तो उनकी जो है ये जो ग्रोथ कम होती है, प्लांट्स छोटे रहते हैं बट ये फूल अच्छे देते हैं, काफ़ी देते हैं। तो ये देखो मैं इस तरह से भी इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे ये छोटे वाले पोर्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ख़ास करके जो ये टेरेस वगैरह पे जो जिनकी बालकनी वगैरह छोटी छोटी बनी होती हैं, तो ज़्यादा मिट्टी ज़्यादा भारी नहीं रखना चाहते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे पोर्ट्स रख सकते हैं,
तो बहुत ही बढ़िया प्लांट्स लगेंगे, हैंगिंग वाले चाहे लगाइए आप, चाहे आप इस तरह के भी लगाइए। तो ये देखिए कितने बढ़िया अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें भी ये बहुत सारी मिट्टी अभी इसमें और आ जाएगी। तो अब फिर मैं इस्तेमाल करने के बाद ही बताऊंगी। वैसे तो मुझे ठीक लग रहे हैं, मजबूत लग रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं। अब फिर देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरह से ये है। बाकी चलते चलते मैं कुछ और दिखा दूँ। ये जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी यहाँ पे, ये देखा, ये ग्राफ्ट किया हो तो इस पर ये बड़े साइज़ का रेड कलर का फूल, अभी शाम का टाइम होने जा रहा है तो ये बंद होने जा रहा है। तो ये देखिए बड़े साइज़ का जो ये रेड कलर का फूल, तो 2 हफ्ते में ही ग्राफ्टिंग के फूल आना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे ये एक और ग्राफ्टिंग मैंने की थी, तो यहाँ पे ये यहाँ पे गिलहरी खा गई थी, 2 बर्ड्स आए थे, और अब फिर दोबारा ये नए तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ग्राफ्टिंग वाले। बाकी चलते चलते कुछ और भी बता दूं। मेरे भाई बहन कह रहे हैं कि उनके जैसे ये सीड ग्रो करते हैं तो उनके जो पौधे हैं मर जाते हैं। तो मेरे भी सीड वही, जो जब कभी मंगवाती हूँ बीच में कोई नए प्लांट्स हों या पुराने हों तो मैं खुद ही सेव करती हूँ। तो इस तरह से ये देखो पूरे अच्छे से निकलते हैं ये। हालांकि एक मैंने ये प्लांट बीच में ग्रो कर रखा हुआ है अलग से, इसके साइड में जो जगह बचती है तो पूरा ये भर गया हुआ है, जहाँ बीच में कई बार नए भी मंगवाती रहती हूँ। तो ये ध्यान रखें आप, जो धूप भी इनको मिलनी चाहिए और मिट्टी ऐसी बनाएं जो सॉफ्ट मिट्टी हो, और मिट्टी में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें तो जो आपकी पौध अच्छी चलेगी। और पानी देने का पूरा तरीका होना चाहिए, जैसे कई पौधे होते हैं पोपी के होते हैं बहुत ही नाजुक नरम होते हैं, तो किस तरह से किनको पानी देना है तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा हुआ है। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं मेरे भाई बहनों, पानी देने का उनको पता नहीं चलता है कि किस तरह से छोटे छोटे पौधों को, कैसे पौधे को किस तरह से पानी देना है, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखें। तो पानी सही अगर नहीं देते हैं तो उनसे भी बहुत सारे पौधे जो हैं मर जाते हैं। अब मेरी ये देखिए एनुअल क्राइसेंथेमम, कितनी जगह मैंने ये जो पौध ग्रो की है, तो कितने सारे ये प्लांट्स ये मैंने दिखाए नहीं है अभी, तो कितने बड़े बड़े हो गए, अभी ट्रांसप्लांट नहीं किए हैं। तो बस इस तरह से धूप भी इनको सही चाहिए और इनको जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं वो भी सही देनी है। बाकी ये होली हो के जो ये पौध मैंने आपके सामने सीड ग्रो किए थे तो बहुत सारे ये फैल गए हैं, कुछ मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो मैंने फिर क्या किया, ये जो पूरे ज़्यादा अगर फैल जाते हैं तो इनको मिट्टी को धूप नहीं मिलती है तो उससे मिली बग्स वगैरह आने का जो है डर बना रहता है। तो फिर बीच बीच से मैंने पत्ती हटा दी ताकि इसको नीचे धूप मिल सके, इसको पानी तो हमने देना है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। पर अब इस टाइम देखो पूरी मिट्टी मेरी सूख गई है, जैसे पूरा सुबह पानी दिया था। तो ये सब चीज़ें करनी है तो आपकी पौध जो है बड़ी अच्छी रहेगी। ये देखो पूरा गमला पूरा भरा पड़ा, बस मैंने कुछ कुछ पत्तियाँ जो बड़ी बड़ी हैं वो हटा दी हैं ताकि इसको नीचे तक धूप मिले और इन पे कीड़े वगैरह का अटैक ना हो, ताकि पत्तियाँ खूब घनी हो जाती हैं फिर नीचे तक धूप नहीं होती तो यहाँ मिली बग्स वगैरह लगने का जो है डर रहता है। तो इस तरह से करने हैं तो आपके जो है सीड वो अच्छे से लग सकता है। या फिर एक ये बात हो सकती है, अगर सीड हमारा अच्छा ना हो, वो ख़राब सीड हो तो फिर वो उगता नहीं है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये देखा आपने, ये वक्त जो इको आप ज़रूर ग्रो करें, एक ही प्लांट ये देखो कितना बड़ा हो गया है, कितनी ग्रोथ हो गई है, कितनी पत्तियाँ इसकी निकाल ली हैं। तो ये बहुत ही आसान है लगाना और इतनी पत्तियाँ हो गई हैं इसकी, बहुत बड़ी बड़ी, इतना ज़्यादा फैल गया यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये इधर तक जा रही हैं पत्तियाँ इसकी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, इतना बड़ा प्लांट बन गया है। शुक्रिया।